हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। है टीम अप है। हेलो, हेलो, ओए साहब तैयार रहिए। एस्ट्रल के ले साहिल बोल रहा है कि गेमो बॉय सब्सक्राइबर है। आपका वीडियो देख आ रहा हूँ मैं। I'm big man. अभी वीडियो देख के आ रहा हूँ आपका। गिव यू आवर जिसमें आपने M4 मांगा नहीं इधर। वीडियो देख के आ रहा हूँ। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। सो हेलो पबजींस, क्या हाल चाल आपके? तो भाई स्वागत है एक और गेम प्ले वीडियो में। और इस वाले गेम में यार तबाही मची है, मतलब बिल्कुल ओम उम मिल जाती है मेरे को। और फिर तो तुम्हें पता ही भाई ओम मिलने के बाद क्या होता है, तो यार मस्त टकले फोड़े हैं लोगों के। और थर्ड पार्टी जो है भाई गेम में, लेकिन उस पहली बार ऐसा हुआ कि थर्ड पार्टी से मैं बचाऊँ, मेरी प्रोटेक्शन हुई थर्ड पार्टी से। देखना यार आपको काफ़ी मजे आएंगे। यहाँ पे मैं स्टेडियम में चैलेंज कर देता हूँ लोगों को ऑल चैट पे कि आ जाओ भाई जिसकी दम जिसमें दम है यार स्टेडियम में, सबकी ऐसी तैसी होगी। और फिर भाई लोग मेरे से नाम पूछते हैं लेकिन मैं नहीं बताता यार, नाम बेइज्जती थोड़ी करानी है। नाम बता। अब उतरते यार द गोल्ड गन VSS मिल जाती है, तो मैंने सोचा भाई पूरा सर्वर थोड़ी ना खत्म करना है, मतलब इतनी जल्दी सर्वर कैसे फिनिश कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक गेम उठा लेते हैं, VSS में छोड़ देता हूँ जिससे मैच थोड़ा लंबा बन जाए। अब यार मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे साइड में से, दो तीन बंदे यहाँ पे उतर चुके थे, तो देखना भाई कैसे फिनिश करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे दो तीन बंदे आए हुए थे, तो मैं VSS की जगह यूज ही उठा लेता हूँ क्योंकि भाई क्लोज रेंज फाइट्स होने वाली थी यहाँ पे। और फुटस्टेप्स तो मेरे को यार नॉन स्टॉप आ रहे थे दो तीन बंदों के, मतलब फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। फुटस्टेप तो एक ही बंदे के आया था अभी तक मैप में, लेकिन दो तीन बंदों के फुटस्टेप्स के चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन किसी की भी अभी तक शक्ल नहीं दिखी थी। और अब देखना और यार यूजी से अगर तुमने एक बार गलत एम कर दिया ना, तो मरने के चांसेस तुम्हारे बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरी कोई बढ़िया AR है तो तुम बच भी सकते हो मुश्किल से, लेकिन अगर सिर्फ एक यूजी है तो भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें पता है फायर रेट यूजी का बहुत गजब है। और दो तीन सेकंड के लिए तुमने एक बार गलत एम कर दिया ना, तो 10-15 गोली तो वहाँ पे निकल जानी है। और 10 या 15 गोली जो बची हैं उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बंदे पे, क्योंकि लो डैमेज है भाई तुम्हें पता है ना। लेकिन कुछ करके भाई डिफेंड कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत तगड़ी फटी थी मेरी पर बच जाते हैं। अब थर्ड पार्टी होने के भाई पूरे पूरे चांसेस थे, तुम्हें पता है सोलो में कान खड़े हो जाते हैं लोगों के जैसी गोली चली, लेकिन भाई कोई आता नहीं। अब जल्दी से बैंडेज लगूंगा, फर्स्ट एड की बहुत गरीबी चल रही है। और देखना यार बाकी बंदों को कैसे फिनिश करते तुम्हारा भाई। और यहाँ पे लकीली मेरे को फर्स्ट एड रेस्टोरेंट के मिल जाती हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि हाँ यार अब तो बंदे खत्म है। अब बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे ऊपर से, तो मैं ऊपर जाता हूँ तभी यार बंदे के कूदने के फुटस्टेप्स आते हैं, मतलब अप एंड डाउन चल रहा है, तो मैं वापस नीचे जाता हूँ। और वो बंदा यार मेरे को मतलब उसके मूवमेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्लेयर लग रहा था, प्रो प्लेयर जिसे कह सकते हो तुम, लेकिन S12 के किंग है यार। और इस बंदे का माइक यार ऑल पे रह गया था, तो इससे ये इंडिकेट हो गया कि हाँ बंदा मेरे बिल्कुल आसपास है, और मैं S12 के लेके बिल्कुल रेडी था। और ये बंदा पता नहीं यार क्या ही चाहता था, मतलब ना तो मेरे पे रश कर रहा था, बस बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ वहाँ भागे जा रहा था। नॉन स्टॉप इसके फुटस्टेप्स की आवाज़ मेरे को आ रही थी, लेकिन ना ये बंदा मेरे पे रश कर रहा था तो मैं यहाँ पे क्लासरूम की तरफ आ जाता, थोड़ा बहुत एंगल मिल जाए मेरे को। लेकिन यहाँ से भी बंदा नहीं दिखा, मैं नीचे कूद जाता हूँ और अब मिलता है यार बंदा। और S12 के OP तो जल्दी से इसके डब्बे को लूटेंगे यहाँ पे, बैंडेज मिल जाती है। और जैसे मैं हील कर रहा हूँ तो यार एक फुटस्टेप और आ जाता है, तो देखना यार।
और प्रिया दीदी भी यार S12K की चपेट में आ जाती है, प्रिया नहीं प्रिया, और मैं भी शायद गलत बोल गया, प्रिया नहीं है ये है प्रिया। अब यार स्टेडियम क्लियर करके यहाँ पे मैं कार लेने आ जाता हूँ, लेकिन भाई कार तो दिखती नहीं बिना स्कोप के, तो वैसे तो मैं नहीं दिखनी, लेकिन मैं स्कोप इन करता हूँ, लेकिन भाई कार असल में ही नहीं होती। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ यार एक बंदा ओम चला रहा था, मतलब पटाई पट ओम चल रही थी, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जिगजैग मूव करके थोड़ा कि भाई मेरे हेडशॉट ना पड़ जाए। अब वो बंदा यार मेरे मारने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन भाई मैं कुछ करके बचता हूँ और एक नेट टॉस कर देता हूँ कि चला जाएगा कुछ करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तुम्हें नहीं लगता कि यार रेड जोन कुछ ज़्यादा ही नॉइस पोल्यूशन करता है, मतलब अपने को मारता है वो तो अलग, लेकिन नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है यार, बिल्कुल हेडफोन फटने को हो जाते हैं इतने जोरों की आवाज़ आती है। तो पबजी वालों को यार इसकी थोड़ी बहुत वॉल्यूम कम करनी चाहिए। यहाँ पे वो बंदा था नेड वाला नहीं ओम वाला, और भाई उससे मेरे को ओम चाहिए थे कुछ भी करके, तो अब देखना उसको कैसे फिनिश करते हैं। और इस भाई ने तो यार नेड ही गिर दिया था सीढ़ियों में, लेकिन मेरे सामने गिरा था तो मैंने देख लिया था कि भाई 2 सेकंड हुए नेड गिरे, अपन जा सकते हैं अंदर और भाई कर देते हैं बंदे को फिनिश, और जल्दी से ओम लूटेंगे यार। और अब तुम्हें देखने को मिलेगा यार ओम डिस्ट्रक्शन, एटैक्स भी मिल जाता है तो यार मजा आ जाता है। अब साइड से एक बंदा और आ जाता है ऊपर की तरफ, तो देखना यार। और यहाँ पे भाई स्कोप की दुकान खुल जाती है मेरे सामने, 6x 4x 3x सारे स्कोप थे मेरे पास, मतलब जब चाहिए होते तो एक भी नहीं मिलेगा, और जब नहीं चाहिए होते तो सारे स्कोप यूँ बोलेंगे कि भाई मेरे को ले लो ना यार, लेकिन दबाप स्कोप 8x स्कोप था मेरे पास और ओम थी, तो भाई देखना आप। और चलती गाड़ी में हेडशॉट मारने का सपना भी यार पता नहीं कभी पूरा आएगा। अब मैं यार यहाँ पे थोड़ा बहुत एनर्जी ड्रिंक्स लगा रहा था, क्योंकि आसपास भाई बंदे थे, मतलब सांप बने हुए थे लोंडे, और चारों तरफ बंदे, तो भाई ओपन में एक बार मैं जाता ना तो तगड़ी वाली ऐसी तैसी होनी थी। मैं यहाँ पे आता हूँ और भाई 2 बंदे देखना एक गाड़ी में मिलते हैं, मतलब इनसे टीम अप करवाऊँ मैं यार, मेरे को बहुत गुस्सा आता है टीम अप वाले लोगों पे। देखना भाई 2 बंदे आएंगे एक गाड़ी में, 2 बंदे। देख रहे हो ना यार, एक ने लाल कपड़े पहन रखे थे और एक ने सफेद कपड़े पहन रखे थे, और भाई यहाँ पे यार थर्ड पार्टी मेरे को बचाती है, तुम देखना बस। अब अब ये दोनों बंदे तो यार मेरे को मारने वाले थे, लेकिन पीछे से एक बंदा थर्ड पार्टी कर देता है एक तरह से, कहे तो यार उसने मेरा किल चुरा लिया, लेकिन भाई यहाँ पे मेरा गेम बच गया, मतलब मेरा गेम बचने वाला था लेकिन भाई बच गया गेम। अब वो बंदा यार वहीं पे ही है, मतलब थर्ड पार्टीज हो रही थी वहाँ पे तगड़े वाली ओपन में, मतलब बंदे मैंने तुमसे कहा ना यार सांप बने हुए हैं तो हर जगह से फायरिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा यार ओपन में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। और 3-4 दिन से यार मैं सोलो खेलूँ तो यार मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो हो गया यार कि कभी भी भाई ओपन में फाइट मत लेना बस कुछ ना करके, अगर तुम्हें चिकन डिनर चाहिए ना तो भाई ओपन में फाइट मत लेना। अब इस बंदे का साथी तो मारा जा चुका था और ये बंदा यार बिल्कुल अकेला था, और अकेले इनकी बस की है नहीं, फटती है तभी तो टीम अप करते हैं, वो अलग बात है मैं भी करता हूँ कभी कभी, लेकिन कोई नहीं यार अब इस बंदे को फिनिश करेंगे।
और मेरे ख्याल से बंदा मेरे को फुद्दू बनाने की सोच रहा था। मतलब इसने लूट भी खेल रखी थी, 7 कैमो भी खेल रखे थे, कार 98 भी खेल रखी थी। इसे लगा मैं आऊंगा उठाऊंगा और ये मेरे को बेल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं यार। मैंने पिकअप ऑटो पिकअप ऑफ कर रखा था, तो भाई हमेशा ऑफ नहीं रखता, लेकिन लकीली यार ऑफ कर रखा था। अब साइड में से यार कुछ बंदे शॉट्स ले रहे थे, मतलब जो सांप बने हुए थे, तो देखना यार कैसे फिनिश करेंगे अभी। और इन अजगरों को हेडशॉट मारने में अलग ही मजा आते हैं, मतलब क्या ही तो बताऊं मैं तुम्हें। और अब यार मेरे अलावा 4 बंदे बचे होते हैं, तभी मेरे को साइड से एक बंदा आता हुआ दिखता है, तो देखना भाई कैसा ओम का फटका लगता है उसके। अब इसे फिनिश करते हैं, साइड से यूएस से लेके आवाज आ जाती है, और अब तुम्हें एक ऐसा शॉट देखने को मिलेगा, मतलब मजा आ जाएगा ना देख के। बंदा मरेगा नहीं उससे, लेकिन भाई शॉट जहर था। और इस वाले शॉट से यार बंदा मर जाता ना, मजा ही आ जाता बिल्कुल। दूसरा शॉट तो यार कनेक्ट होता नहीं। अब यहाँ पे यार एक बंदा और आ जाता है गिली सूट में, और क्या ही तो थर्ड पार्टी करता तुम्हारा भाई। अब इसे फिनिश करते हैं यार, मैं जल्दी से कवर में जाता हूँ, क्योंकि एक बंदा और था और भाई वो थर्ड पार्टी कर सकता था। तो जल्दी से अब कवर में जाएंगे, थोड़ा बहुत हील करेंगे और देखना भाई अब। और यार कर लेते हैं किचन डिनर, एंड आई होप आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना, नए हो चैनल पे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। भाई क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें देखा नहीं कितना तगड़ा शॉट मारा भाई ने, तो सब्सक्राइब जरूर बनता है यार, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने यार इंस्टा आईडी का लिंक दिया है भाई, वहाँ पे तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें छोटी मोटी क्लिप्स मिल जाती है, मतलब कभी कभी बोर हो जाओ तो भाई उन क्लिप्स से तुम काम चला सकते हो।